देखते हैं मशायख की सोबत में भी एक सादा सा बंदा होता है, कोई उसको इलम नहीं है, दीन का भी इलम नहीं, कुछ भी नहीं, वो मोहब्बत अदब एतात के साथ सोबत में बैठता है, कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला उसमें निस्बत का नूर दाखिल करना शुरू कर देता है। और वो बकरियां चलाने वाला था, लेकिन बकरियां चराते चराते अल्लाह ने उसको इतना बड़ा शेख बना दिया कि उसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। ख्वाजा फजल अली कुरैशी का एक खादम था जो बकरवाल कहलाता, बकरियां हजरत की 12 साल बकरियां चलाई, और बकरियां चरती भी थी, वो मोहब्बत से घास हाथ से उखेड़ उखेड़ के बकरियों के मुंह में देता था कि मेरे शहर की बकरियां, इतनी मोहब्बत से बकरियां चराई। तो एक इज्तमा के मौके पे वो बकरियां चरा के आया, हजरत मिंबर से उतर के नीचे आ रहे थे तो कहा हाँ भाई आ गए, कहा जी हजरत आ गया, बकरियां पेट भर के आई हैं। तो हजरत को तरस आ गया, अच्छा दुआ करवा क्या करवाता है, तो उसने दुआ करवा कहा हजरत मुझे तो दुआ भी नहीं करवानी आती, तो उसने झोली ऐसे कर दी कि हजरत जो चाहे इसमें डाल दें, बस हजरत को उनकी ये अदा पसंद आई और कहा जाओ मैंने तुम्हें अपना खलीफा बना लिया। अब वो अनपढ़ है, कुछ आता जाता नहीं, फिर उसने कायदा पढ़ा, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, फिर हजरत ने उसको ज़बरदस्ती खानका से निकाला, जाओ अपने इलाके में जाके काम करो, फिर शादी हुई और वहाँ काम करना शुरू किया, पूरे इलाके में हजरत साइकिल के ऊपर कभी कैसे कभी कैसे गांव गांव जाके इतना दीन का काम किया कि हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। एक बकरियाँ चराने वाले, क्योंकि निस्बत असर करती। جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال